दोस्तों, मेरा नाम मधु कृष्णा, आप देख रहे हैं टेक्निकल विल्सन चैनल। दोस्तों, यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M21 के बारे में। तो यहाँ पर फिलहाल सैमसंग के जो M सीरीज आती है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है और लोगों ने बजट फ़ोन के अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें निकाली हैं। इसकी वजह से यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M21 फिलहाल फ़ोन लॉन्च हो चुका है। तो आज इसके बारे में आज हम लोग फुल ओवरव्यू के बारे में बात करने वाले हैं, साथ में दिखाएंगे, साथ में इसके बॉक्स के अंदर दिखाएंगे क्या 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 कंटेंट मिलने वाला है और साथ में इसका फुल स्पेसिफिकेशन भी बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर हम लोग यहाँ पर इसकी प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पर प्राइस जो है वो मैं आपको लास्ट बताऊंगा, बट यहाँ पर वेरियंट की बात करता हूँ। तो वेरियंट यहाँ पर आपको 664 वाला वेरियंट और 6128 वाला वेरियंट, यहाँ पर दो आपको वेरियंट मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसकी बॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर बॉक्स कंटेंट आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या देखने को मिलता, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये बॉक्स है। तो यहाँ पर ये इसमें सबसे पहले आपको एक फ़ोन, आपका अपना सबसे प्यारा फ़ोन दिलारा देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको USB-C टाइप केबल देखने को मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपको 15 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाती है और साथ में आपको यहाँ पर एक सिम कार्ड टूल देखने को मिल जाता है और साथ में आपको यहाँ पर केस नहीं मिलता है। यहाँ पर बता दूँ, कुछ जगह जो सैमसंग के कुछ ज़्यादा पॉपुलर फ़ोन्स हुए थे उसमें यहाँ पर आपको केस देखने को मिल जाता है, बट जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे उनमें यहाँ पर केस और ईयरबड्स यहाँ पर कुछ भी नहीं दिए जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर फ़ोन के देखने की यहाँ पर बात करता हूँ तो ये फ़ोन देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है और इसकी काफ़ी ज़्यादा लुक भी इसका काफ़ी अच्छा है। उसका जो कलर भी है बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर ये दो वेरियंट में कलर में आते हैं। तो यहाँ पर ये जो कलर यहाँ पर एक आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर में और साथ में इसके साथ एक ब्लैक कलर भी आता है। तो ये दो फोन देखने में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अगर हम इसमें हाथ में लेने बात करते हैं तो हाथ में भी आप एक हाथ से बहुत आसानी से चला सकते हैं, मतलब काफी ज्यादा फील आ रहा, बहुत ही ज्यादा अच्छा फील आ रहा। इसके जो बैक साइड की प्लास्टिक बॉडी है वो इसकी जो बॉडी प्लास्टिक है। अगर हम फोन के वेट की बात करते हैं तो 188 ग्राम का आपको ये फोन देखने को मिल जाता है। अगर हम इसमें बैक फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करते हैं तो बैक साइड आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाती है। अगर हम लोग इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम लोग इसके फोन के नीचे साइड चलते हैं तो नीचे साइड आपको यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है और उसके बगल में आपको USB-C टाइप केबल देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पर 3.5mm का जैक देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर हम लोग इसके लेफ्ट साइड चलते हैं तो लेफ्ट साइड आपको यहाँ पर सिम कार्ड ट्रे देखने को मिल जाती है और पूरा फोन ऐसे खाली है। इसके बाद अगर हम इसके ऊपर साइड चलते हैं तो ऊपर साइड आपको नॉइस कैंसलेशन माइक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर इसी के साइड अगर हम राइट साइड चलते हैं तो राइट साइड यहाँ पर आपको वॉल्यूम रॉकर बटन देखने को मिल जाती है और साथ में आपको पावर बटन देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगर हम लोग इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा फील बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि सैमसंग के फ़ोन की बात ही अलग होती है। यहाँ पर आपको 6.4 इंच की आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको इसके जो बेजल्स हैं आप देखने के नज़र जो बेजल्स हैं बहुत ही ज़्यादा कम है और साथ में अगर नॉच के साथ या नॉच की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कम है और ऊपर साथ डॉट नॉच भी है और साथ में अगर हम इसकी बात करते हैं प्रोडक्शन की तो यहाँ पर आपको 91% की स्क्रीन रेशियो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगर हम इसके आप कुछ स्पेसिफिकेशन की बात कर लेता हूँ तो स्पेसिफिकेशन में अगर हम इसके बाद प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसमें एक्सिनॉस का 9611 जो दिया गया। अगर हम यहाँ पर प्रोसेसर अगर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन से अगर यहाँ पर बात करें तो 660 या 720 के जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जो आते हैं यहाँ पर प्रोसेसर के उसकी बराबर यहाँ पर एक्सिनॉस की 9611 यहाँ पर कर रहा है। यहाँ पर दो वेरिएंट आपको यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर मैंने बताया 664 वाला वेरिएंट और 6128 वाले वेरिएंट, यहाँ पर दो वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर दो कलर भी हैं ब्लैक एंड ब्लू कलर में। अगर हम इसकी बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पर बैटरी जो है सबसे बेस्ट निकल के आई, यहाँ पर बैटरी इसे बोलेंगे मैम मास्टर बैटरी, जो कि यहाँ पर 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है आपको। उसका जो चार्जर दिया रहा 15 वाट का चार्जर दिया रहा। हाँ, आप इसे यहाँ अगर हम बात करते हैं तो इस अपडेट में मतलब कि यहाँ पर बात करते हैं चार्जर में, तो यहाँ पर इस बॉक्स में आपको 15 वाट का चार्जर तो मिल जाता है। आपको फ़ोन चार्ज करने में 15 मिनट या सॉरी यहाँ पर घंटे या 1.5 घंटे लगेंगे, बट ये बैटरी आपकी 2 दिन तक चलेगी, बैटरी बैकअप देगी। अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर 1 to i यहाँ पर 1 to i बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 10 यहाँ पर हम देखने को मिल जाता है। अगर इसके हम सेंसर की कोई बात कर ले तो यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आपको सारे के सारे सेंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम जैसे सिक्योरिटी बात करते हैं तो सिक्योरिटी यहाँ पर आपको बैक साइड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है और साथ में आपको यहाँ पर फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग डुअल 4G आपको यहाँ पर सिम देखने को मिल जाती है, साथ में आपको वाईफाई कॉलिंग भी देखने को मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग कैमरा की बात करते हैं तो कैमरा 2 API की आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर बोला जाए तो कैमरा 2 API की सपोर्ट है, तो आप यहाँ पर गूगल कैमरा आराम से चला सकते हैं।
इसके बाद अगर हम यहाँ पर वीडियो व्यूइंग की बात करते हैं तो वीडियो व्यूइंग भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी हद तक मतलब इसकी जो जो स्क्रीन है मतलब कि सुपर एमोलेड होने की वजह से काफ़ी अच्छा फील दे रहा है और इसमें जो कलर्स हैं सुपर एमोलेड की वजह से काफ़ी फील दे रहा है। इसके ऑडियो की बात करते तो ऑडियो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील दे रहा है। थोड़ा बहुत ऑडियो में थोड़ा डिफरेंस है अदर ब्रांड से मतलब देखा जाए तो थोड़ा बहुत कम है, बट यहाँ पर अगर ऑडियो क्वालिटी और अच्छी होती तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट फोन होता है। इसके अगर यहाँ पर कैमरे की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको तीन कैमरे देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला 48 मेगापिक्सल कैमरा जो कि प्राइमरी कैमरा है, सेकंड आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और तीसरा यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मैं इस फोन की कुछ यहाँ पर पिक्स आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इसकी कैम जो आ रही हैं इसकी जो पिक्चर्स जो मैंने खींची है कैसी आपको दिख रही हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर सेल्फी कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। ये थी कुछ इसकी फुल स्पेसिफिकेशन और इसमें कुछ हाइलाइट्स हैं जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मॉन्स्टर कैमरा इसका सॉरी यहाँ पर बात करते हैं मॉन्स्टर बैटरी, यहाँ पर 6000 mAh की फास्ट चार्जर है यहाँ पर आपको और साथ में यहाँ पर आप जो गेमिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर गेमिंग भी काफ़ी अच्छा हद तक खेल सकते हैं। तो ये थी इसकी कुछ चीज़ें सैमसंग गैलेक्सी M21 की कहानी। आपको ये फ़ोन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों आपको अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे आप देख रहे नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन और उस पर क्लिक कर दीजिए, उसके बगल में बेल आइकन आ जाएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स वीडियो में सकते हैं मिलते हैं, धन्यवाद, बाय बाय।